हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो को आपको पूरा देखना है अगर आप इन सब प्रश्नों का जवाब चाहते हैं, ठीक है, और अपना जो रूटीन है उसको अच्छा करना चाहते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट होना चाहते हैं और अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू करके एंड तक ज़रूर देखना। तो देखो, सबसे जो कॉमन सवाल है आपके मन में याद है कि मुझे कितने बजे पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना ज़रूरी है क्या, कितने घंटे में पढ़ूं कि मैं टॉपर बनूं, टॉपर कैसे मैं बनूं, ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके मन में आते हैं। तो सबसे पहली बात, इसका मैं जवाब देना चाहूँगा कि सुबह पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, सुबह में पढ़ूं या दिन में पढ़ूं या रात में पढ़ूं। मैं अपना उदाहरण देता हूं, मैंने अपने पूरे जीवन काल में सुबह कभी नहीं पढ़ाई की। ये माना जाता है कि सुबह पढ़ना सबसे बेहतर होता है, अच्छा होता है, लेकिन मैंने ये दो दिन ट्राई भी किया। कैसे, मैं रात में सो गया और सुबह 4 बजे उठ गया, और सुबह जब मैंने उठा ना, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। ध्यान सुनना, सुबह मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मैं पढ़ाई किया, मैंने ज़बरदस्ती पढ़ाई की, 1.5 घंटे 2 घंटे मैंने पढ़ाई भी की, लेकिन मेरे मन में वो बात अच्छे से घुसी नहीं। और उसका असर ये हुआ, मैं सुबह जब स्कूल गया, मेरे पूरे दिन मेरे सर में दर्द होता रहा, पिन चिन 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 करता रहा, और मैं अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके जो टीचर ने मुझे स्कूल में पढ़ाया वो भी मैं ढंग से सीख नहीं पाया। घर पे आया, पूरा दिन खराब गया, और फिर अच्छे से घर पे आके रिवीजन भी नहीं कर पाया। तो थोड़े से घंटे के लिए मैंने पूरा दिन बर्बाद कर दिया, स्कूल में भी कुछ समझ में नहीं आया, घर पे भी आके पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो मैं ये कहूँगा, अगर आप सुबह उठ सकते हो, उठते हो अगर नॉर्मली, और उठ के पढ़ाई नहीं करते, तो आप सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप सुबह उठने की आपकी हैबिट नहीं है तो आप मत उठना, आप नॉर्मल, आप दिन में पढ़ाई करो, रात में पढ़ाई करो, सुबह उठ पढ़ने की ज़रूरत तब नहीं है, ये मैं कहूँगा। और ये ऑनेस्ट एडवाइस है, हर कोई आपको ये ज़रूर कहेगा, ठीक है। और मैं पढ़ने में ठीक ठाक था, अपने क्लास का मैं टॉपर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कितने घंटे पढ़ना चाहिए और कितने बजे पढ़ना चाहिए, ठीक है। कितने घंटे पढ़ने की बात स्टूडेंट से स्टूडेंट में वेरी करता है, ठीक है। मैं अपनी बात कहूँ तो मैं बहुत ही कम पढ़ता था घर पे आके। क्यों, अगर आप उसके टीचर आपको स्कूल में जो सिखा रहे हैं, ठीक है, अगर आप उसको ध्यानपूर्वक सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती घर पे आकर, ठीक है। अगर आपकी आपने आपको जो टीचर ने सिखाया आपके पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, आपको जो होमवर्क मिला है आपने कंप्लीट नहीं किया है, तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि जो टीचर सिखा रहा है वो आपको अगर आ गया, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपने कर ली, प्रश्न अच्छे से बना लिए, तो ज़्यादा समझ में आना चाहिए, ठीक है। आपने सुना होगा कोई IAS एक बार में बन जाता है, कोई आपने ये भी सुना है कि 2 घंटे पढ़ के IAS क्लियर कर दे रहा है, और कोई है जो 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ रहा है फिर भी IAS क्लियर नहीं कर पा रहा है। वैसे IAS का एग्ज़ाम टफर होता है, मैं किसी भी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा बच्चा होता है जो दिन भर पढ़ रहा है, और एक ऐसा बच्चा सिर्फ 2 घंटा पढ़ रहा है, लेकिन 2 घंटे पढ़ने वाला बच्चा टॉपर है, वो मौज मस्ती भी कर रहा है। लेकिन एक बच्चा सीरियस होकर बैठा है रूम में, 12 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन वो टॉप नहीं कर पा रहा। इसका मेन कारण क्या बताएं, जो बच्चा 2 घंटा पढ़ रहा है ना, वो 2 घंटे में जो भी पढ़ रहा है उसके दिमाग में घुस जा रहा है, वो सारा कुछ समझ ले रहा है, लेकिन जो 12 घंटे पढ़ रहा है उसको वो समझ में नहीं है, वो ज़बरदस्ती पे लगा पड़ा है, ठीक है। अब ये चीज़ कब आती है, जब आप स्कूल में जा रहे हो ना, या अभी तो ऑफलाइन कोचिंग्स के साथ साथ ऑनलाइन भी आ गया है, ये फैसिलिटी आपको एडवांस में मिली है। तो जब आप पढ़ाई ऑफलाइन कर रहे हो या ऑनलाइन कर रहे हो, तो जब भी आप पढ़ने बैठो ना, आपके मन को शांत रखना है। शांत रखने के लिए दिमाग को आप मेडिटेशन कर सकते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं सुबह सुबह, ठीक है, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ये कुछ 4-5 मिनट कर लो बहुत है, ठीक है। ये नहीं आधा आधा घंटे एक घंटा करना, नहीं, दिन के 5 मिनट कर लो बहुत है। इससे आपके मन को शांत रखने में आसानी होगी। पढ़ने में अगर आपका मन इधर उधर भटक रहा है, भाई मुझे अंजलि से बात करनी है, मुझे घर पे जाके पबजी खेलना है, मुझे घर पे जाके ये करना है वो करना है, ठीक है, अंडशंट बातें अगर आपके दिमाग में आ रही है ना, तो आपको डाउट होगा उस सब्जेक्ट में, आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, आपको ज़्यादा घंटे लगेंगे, ये फैक्ट है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो एक चीज़ आप 5 मिनट में समझ रहे हो या 50 मिनट में समझ रहे हो, वो डिपेंड करता है आप पर, ठीक है। तो अगर आपका मन शांत रहेगा, आप चीज़ों को ढंग से समझ रहे हैं, ठीक है, तो आपको समय कम लगेगा। और अगर आप उसी चीज़ को ढंग से फोकस होकर नहीं सुन रहे हैं, तो आपको ज़्यादा समय पढ़ना पड़ेगा, वो
उस हिसाब से आपको घंटे वेरी करने पड़ेंगे। अगर एक सामान्य तौर पर अगर आप सिर्फ प्रॉपर फोकस के साथ पढ़ते हैं ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ घर पे ज़्यादा नहीं 4 घंटे अगर भी पढ़ लेते हो स्कूल के अलावा 4 घंटे पढ़ लेते हो तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। लेकिन ये कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बी कंसिस्टेंट ऑलवेज, ये नहीं कि आए वीरेंद्र सहवाग की तरह 2 दिन धार धार चौका छक्का मार दिया और अगले धार 4 दिन 0-0 पे आउट हो रहे हो, ऐसा नहीं। आना है विराट कोहली की तरह लगातार 50-100 मारना है, डेली कंसिस्टेंट रहना है। आज 4 घंटे पढ़ाई की, कल 5 घंटे पढ़ाई करनी है, तो कल 4.5 घंटे पढ़ाई करनी है, ऐसा टारगेट रखना है। ये नहीं आज भाई 12 घंटे पढ़ लिया और अगले पूरे हफ्ते सो रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बी कंसिस्टेंट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अब प्रश्न का उत्तर मिल गया, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने बजे पढ़ना चाहिए, ये भी मैं आपको बोल चुका हूँ। अगर आप सुबह उठ सकते हो, उठते हो तो सुबह पढ़ो, ठीक है। मैं सुबह नहीं पढ़ता था क्योंकि मैं अगर सुबह उठ जाता तो मेरा पूरा दिन रात बर्बाद जाता था, ठीक है, माइंड में पूरा फोकस ही नहीं बन पाता था। तो वो आपको देखना है, अगर आप सुबह उठ के पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो दिन में कवर कर लो, ठीक है। स्कूल से आने के बाद 1-1.5 घंटा रेस्ट ज़रूर करना है, 1-1.5-2 घंटा रेस्ट कर लो। उसके बाद दोपहर को होमवर्क कर लो जो भी स्कूल से मिला है, उसके बाद आप बाकी जो पढ़ाई है, ठीक है, बाकी पढ़ाई स्कूल से आने के बाद 2 घंटे पढ़ना जिसमें आप होमवर्क वगैरह वगैरह जो भी है वो कम सकते हो, और उसके बाद 3-4 घंटे शाम के टाइम पे पढ़ाई करनी है। दोपहर को 2 घंटे पढ़ लिया और उसके बाद शाम के 6 बजे से लेकर रात के तक 3-4 घंटे पढ़ लोगे, बात बन जाएगी, ठीक है, जिसमें आप YouTube से भी पढ़ सकते हो, कोचिंग से भी पढ़ सकते हो, अपने हिसाब से टाइम को एडजस्ट कर सकते हो। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा, तो दिन के तो 5 घंटे सेल्फ, ठीक है, पढ़ाई करनी है जिसमें कोचिंग भी आ जाएगा और आपकी पढ़ाई। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आप ट्यूशन में पढ़ रहे हो, आप यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो, इट डजेंट मैटर। अगर इन सब का निचोड़ आपको चाहिए, एक अच्छा आउटपुट चाहिए, एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो आपको सेल्फ स्टडी भी कम से कम डेली 1.5-2 घंटे करनी है। हमारे टाइम पे तो सेल्फ स्टडी ही थी, ठीक है, हम कोचिंग में नहीं जाते थे, हमारे टाइम पे यूट्यूब भी नहीं था, तो स्कूल में जो पढ़ाया घर पे आके ही पढ़ना होता था खुद से। और हम सरकारी स्कूल से पढ़े हैं और हमारे टाइम के सरकारी स्कूल टीचर इतने कबाड़ रद्दी वारे होते थे, क्या ही बताएं, ठीक है, तो ये समझ सकते हैं। उसके साथ साथ टॉपर कैसे बने, टॉपर बनने के लिए मैं आपको बताऊंगा, मेन चीज़ है कंसिस्टेंट, ठीक है, आपको क्या रहना पड़ेगा, डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, उसके साथ साथ डेली रूटीन को फॉलो करना है आपको। एक जो रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं ना, डेली स्कूल जाना है, डेली अच्छे से पढ़ाई करनी है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है, ठीक है। किसी आप टीनेजर इस टाइम पे ज़्यादा मेरे वीडियो देखते हैं तो हम आजकल के जनरेशन क्या है ना, अपोजिट डायरेक्शन के पीछे उनका बहुत लगाव है, ठीक है, होना चाहिए, नेचुरल प्रोसेस है भाई। लड़कों को लड़कियाँ अच्छी लगती, लड़कियों को लड़के, ये नेचुरल है। लेकिन इस चीज़ को अगर हावी कर लोगे अपने ऊपर तो फिर दिक्कत हो जाएगी। गलत वीडियोस से बचो, टीनेजर के मन में जो गलत वीडियोस होते हैं, पॉर्न वीडियोस होते हैं, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ऐसा भी देखा गया कि पॉर्न बच्चों के मन में हावी हो जाता है, वो पढ़ते सोते जागते कुछ भी कर रहे हो ना, उनके मन में वो बातें चल रही होती हैं, और जिसके मन में ये चीज़ आ गई ना, वो तुम्हें लेके डूबेगी, फिजिकली भी, मेंटली भी, करियर वाइज भी ख़त्म हो जाओगे तुम, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, ये सोच लो। ये सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके साथ साथ डेली रिवाइज करो, जो सर पढ़ा रहे हैं उसको घर पे आके दोबारा पढ़ो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है, जो चीज़ तुम्हें आती है उस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, प्रॉपर रेगुलर टेस्ट दो, टेस्ट स्कूल में नहीं हो रहा, खुद से दो, अपने दोस्त को बोलो, अपने कोचिंग वाले सर को बोलो, या अपने भाई बहन से ही बोलो। मैं अपने टाइम में क्या करता था, मैं अपनी कॉपी पकड़ा देता था अपने बड़े भैया को, और बड़े भैया मुझसे यहाँ वहाँ पन्ने पलट पलट के प्रश्न पूछते थे और मैं उनके जवाब देता था। टेस्ट मौखिक दो, टेस्ट देने से आपको अपनी गलती का पता लगेगा, कहाँ गलती कर रहे हो वो पता लगेगा, टाइम मैनेजमेंट का पता लगेगा, तो ये आपको अंदर से इम्प्रूव करेगा। और जितना टेस्ट दोगे उतना और निखरोगे, जितना रिवाइज करोगे उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हो तो आप एक अच्छा स्टूडेंट बन के दिखाओगे और एक अच्छा टॉपर भी ज़रूर बनोगे, ठीक है। तो
तो आई होप इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें पता चली होंगी। वीडियो को शेयर करें। मैं इस चैनल पे क्लास 9 से लेकर 12 तक साइंस मैथ सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी वीडियो को दबा के शेयर करें। किसी भी टॉपिक पे वीडियो की ज़रूरत हो मुझे कमेंट करके बताएं, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बना दूँगा। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।